सो हे गाइस, वेलकम माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो गाइस, चलो समझते हैं इस पूरी मार्केट को हम लोग एनालिसिस करेंगे एंड एनालिसिस करके कुछ जो है इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह हम लोग जो है निकालने की कोशिश करेंगे एंड वही लेवल आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो वीडियो को आप लोग जो है बिल्कुल भी इन तक देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का आप लोग जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप ओपन करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पिछले दिन क्या हुआ था। पिछले दिन मार्केट ने यहाँ पे जो है गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या किया, एक जो है अपर साइड का मूव दिखाया। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पे अभी भी बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है, इसको हम लोग जो है कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो सीधा अभी 5 मिनट का सॉरी हाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है आप लोग जो है इसको ड्रॉ कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार और चौथी बार यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन शो किया। ओके, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं हम लोग के लिए। ओके, तो अगर हम लोग और एक लेवल निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये वाला लेवल को हम लोग निकालने की कोशिश कर सकते हैं, जो है ये वाला जो लेवल है, ये जो एक पिछले देखा ये जो क्लोजिंग प्राइस भी था आज के भी क्लोजिंग प्राइसेस है और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक बार, दो बार और अभी तीन बार यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाने की मूवमेंट में है। ओके, तो हम लोग इसको जो है कंसीडर कर सकते हैं, ये वाला लेवल पे लोग ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोग ओपन कर लेना। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये वाला जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि हर एक स्विम पे बायर और सेलर जो है यहाँ पे एक्टिवेट होता है। ओके, तो ये वाला जो स्विम है ये भी आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है, तो इसको भी ऑब्वियसली आप लोग जो है ड्रॉ करके रखना अपने चार्ट के अंदर। ओके, दूसरी चीज है ये वाला जो लेवल है ये भी एक स्विम है, यहाँ पे भी अगर मार्केट आएगा यहाँ पे भी मार्केट में बायर और सेलर जो है एक्टिवेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ लेवल वगैरह था और ज्यादा कुछ लेवल वगैरह है नहीं, कोई ट्रेंड लाइन भी नहीं है। अभी बात करते हैं कि कहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने आप लोगों को अगर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना चालू किया, यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना चालू किया, तो मार्केट ने यहाँ तक गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मूवमेंट किया, तो यहाँ पे नीचे यानी कि पूरी इस मूवमेंट में पूरी मार्केट के अंदर स्टेप फॉर स्टेप बायर का ही स्टॉप लॉस भरे पड़े हैं। और यहाँ पे भी मार्केट ने जब क्लोजिंग दिया था, इस पॉइंट को अगर आप अच्छे से समझोगे तो आप लोग देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे जब क्लोजिंग दिया था, मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग दिया, एक सपोर्ट के पास आके जो है क्लोजिंग दिया, जहां से मार्केट ने बार बार ऊपर गया। और मार्केट के स्ट्रक्चर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे किसको बुलाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट यहाँ पे जो है बायर को इन्वाइट कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे क्या करता है, बीटीएसटी लेता है, जो भी लोग यहाँ पे बीटीएसटी लेता है वो सारे के सारे लोग यहाँ पे जो है सी बाय करके या फिर पुट को सेल करके बैठे होंगे। तो यहाँ पे जो है बायर का स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा है कंपेयर टू सेलर। ओके, तो अगले दिन मार्केट जो है गैप अप ओपन होने का चांसेस भी काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मार्केट क्लोजिंग दिया तो मार्केट में सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, मार्केट उनका स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग ये नहीं अभी बता सकते कि मार्केट कहाँ ओपन होगा। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा, अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे जो बायर था वो तो उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और पूरी मार्केट के अंदर जो है यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस पड़े पड़े हैं और ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस है नहीं। और इस लेवल को अगर आप देखोगे तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, और ऊपर कोई भी स्टॉप लॉसेस है नहीं, तो मार्केट में नीचे मार्केट में अगर मार्केट अब देखो मार्केट अगर यहाँ पे कुछ ओपन होता है तो उस हिसाब से ये जो डिस्टेंस होता है ये काफी ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो हम लोग उस पॉइंट में क्या करेंगे, हम लोग कुछ जो है अच्छा खासा प्राइस एक्शन को देखकर जो है ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। और बाकी अगर फ्लैट ओपनिंग होता है यानी कि कुछ यहाँ पे इस पोजिशन के ऊपर अगर देखोगे मार्केट में अगर यहाँ पे अगर ओपन होता है इस पोजिशन के अंदर तो हम लोग जो है सेलिंग करने का ही प्रेफर सबसे ज्यादा करेंगे। ओके, तो ये हो गया निफ्टी के बाद। अगर हम लोग यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को तो और भी अच्छे से मैंने एनालिसिस किया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 मिनट हाँ ओके, तो बैंक निफ्टी मैंने लोड कर लिया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करोगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करने में आप लोग देख सकते हो क्या क्या लेवल है। 15 मिनट और 5 मिनट का मैं 5 मिनट में ये दो लेवल है सॉरी 15 मिनट और 5 मिनट ये जो दो टाइम फ्रेम है, इन दोनों टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट लेवल आपको मार्क करना पड़ेगा। पहली चीज अगर आप देखोगे तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है 44,000 ये वाला जो रेजिस्टेंस आप लोग को दिख रहा है ना 44,151 ये वाला जो रेजिस्टेंस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये है ऑल टाइम हाई। ओके, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो भर भर के यहाँ पे बायर आएगा। ओके, तो आप लोग जो है इसको ऑब्वियसली अपने चार्ट को ऊपर इंप्लीमेंट करके रखना। दूसरी जो लेवल है वो है 44,000 का, यहाँ पे जो है साइकोलॉजिकल नंबर है। ओके, तो अभी हम लोग जो है चार्ट पे फोकस करते हैं कि चार्ट में कहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डे हाई है, यहाँ पे डे हाई। ओके, ये वाला जो डे हाई है आपको पता ही होगा
हाई है, इसको आप लोग जो कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइसेस है, यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस था यहाँ से मार्केट ने आया, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेके आया, फिर मार्केट ने क्या किया इसका ब्रेकडाउन कर दिया। ओके तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सभी रिटेलर ने यही सुना होगा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पे जो एक सपोर्ट है ये दोनों जो है रेजिस्टेंस है, बाकी यहाँ पे जो है सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यही यहाँ पे कुछ सपोर्ट वगैरह है। ओके अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर जाना, यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर भी हम लोग यहाँ पे जो भी बाय करके गया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोग जी कंसिडर करेंगे। यहाँ पे भी बायर का स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पे भी बायर का स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पे भी बायर का स्टॉप लॉसेस है, और यहाँ पे भी बायर का ही स्टॉप लॉसेस है। तो पूरी मार्केट में स्टेप पर सिर्फ बायर का ही स्टॉप लॉस भरे पड़े हैं। ओके तो ऐसे कंडीशन के अंदर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग का जो प्लान रहेगा वो थोड़ा सा बाइंग करने में ही रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट इस पॉइंट में अगर ओपन हो जाएगा तो हम लोग जो FIB की मदद से हम लोग अच्छे से जोन मार्क कर सकते हैं, एंड उसी हिसाब से हम लोग जो ये वाला मूवमेंट को हम लोग कैश कर सकते हैं। ये हो गया गैप डाउन ओपन की बात। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देगा तो, अगर देखो फ्लैट ओपनिंग देगा तो उस पॉइंट में देखना होगा कि मार्केट इसका ब्रेकआउट कर रहा है या फिर इसका ब्रेकआउट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो हम लोग सेलिंग करेंगे, और अगर इसका ब्रेकआउट करेंगे हम लोग जो है थोड़ा सा बाइंग करने में ज्यादा सा सोचेंगे। देखो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग देता है, तो हम लोग के लिए ज्यादातर चैलेंजिंग बात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो कि अगर मार्केट, एक चीज आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके अगर साइकोलॉजिकल नंबर को भी ब्रेकआउट करेगा तो सही होगा, पर अगर मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेकआउट नहीं करेगा और यहीं पे टाइम पास करेगा कट जाएगा, तो थोड़ा सा जो है हम लोग के लिए प्राइस एक्शन समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके तो आई होप कि आपको ये वाला जो वीडियो है आप लोग को अच्छा लगा होगा, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइज आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि चार्ट रीडिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर और भी बहुत सारा जो है यहाँ पे जो है मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जहाँ से आप लोग को भर भर के नॉलेज दूंगा, वो भी फ्री में। ओके तो आप लोग उस वीडियो के लिए तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्लीज घंटी बजा देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।